कुरुक्षेत्र में बीआर इंटरनेशनल चौक के पास एक होटल के कमरे से संदिग्ध परिस्थितियों में एक 25 वर्षीय युवक की मौत हो गई। युवक बीती रात अपने दोस्त के साथ होटल के कमरा नंबर 202 में रुका था। सुबह करीब 10 बजे जब होटल स्टाफ कमरे में पहुंचा तो युवक का शव बेड पे पड़ा हुआ था, जबकि उसका दोस्त सुबह 6 बजे ही कमरा छोड़कर चला गया था। फरार युवक की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। मृतक की पहचान गौरववासी किरमच के रूप में हुई है। मामले की सूचना पाकर डीएसपी नरेंद्र सिंह, थाना कृष्णा गेट प्रबंधक सुनील दत्त, सुभाष मंडी चौकी प्रभारी प्रदीप कुमार मौके पर पहुंचे तथा शव को कब्जे में लेकर एसएफएल टीम को बुलाकर नमूने एकत्रित कराए। पुलिस ने होटल से सीसीटीवी फुटेज लेकर फरार युवक की तलाश जारी कर दी है तथा 174 की कार्रवाई करके शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। वहीं पुलिस ने होटल संचालक के खिलाफ भी लॉकडाउन व आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। सुभाष मंडी चौकी प्रभारी प्रदीप कुमार ने बताया कि शुक्रवार रात करीब 9 बजे गौरव अपने एक दोस्त के साथ बीआर इंटरनेशनल चौक के पास बने होटल में आया था। यहां उसने अपनी आईडी पर होटल में कमरा किराए पर लिया था। होटल में कुछ देर रुकने के बाद दोनों बाहर खाना खाने के लिए चले गए थे और करीब 10 बजे होटल लौटे थे। सुबह करीब 6 बजे उसका साथी होटल से चला गया था, जबकि गौरव कमरे में ही था। जब काफी देर तक गौरव कमरे से बाहर नहीं आया तो होटल स्टाफ को शक हुआ। होटल संचालक व स्टाफ ने कमरे में जाकर देखा तो गौरव बेड पर मृत पड़ा था। इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मौके पर सीन ऑफ क्राइम टीम को बुलाकर सबूत जुटाए। पुलिस ने गौरव के पिता कृष्णलाल की शिकायत पर इत्तेफाक किया रपट दर्ज करके शव का पोस्टमार्टम कराकर विसरा जांच के लिए मधुमन लैब भेज दिया है। गौरव अपने पिता कृष्णलाल के साथ उनकी रेता बजरी की दुकान पर ही काम करता था। वहीं चौकी प्रभारी प्रदीप कुमार के अनुसार एलएनजेपी अस्पताल के डॉक्टर अशोक अरोड़ा, विनोद कुमार सहित 3 डॉक्टरों के पैनल ने शव का पोस्टमार्टम किया है, विसरा जांच के लिए मधुमन लैब में भेज दिया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा होगा। थाना कृष्णा गेट प्रभारी सुनील वस्त के अनुसार होटल संचालक दीपक के खिलाफ लॉकडाउन में आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत थाना कृष्णा गेट में केस दर्ज कर लिया गया है। तो मैं सूचना मिली थी कि होटल में इसमें एक डेड बॉडी मिली है, जिस पे कुल सूचना पे हम आए हैं अभी, और डेड बॉडी को मोर्चरी में भेज दिया गया है। आगे जो उचित होगा वो कार्रवाई की जाए। नहीं, अभी कुछ नहीं कह सकते क्योंकि कोई ऐसा निशान बॉडी पे नहीं मिला है।